अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हमारी जामे मस्जिद में ईद मिलादुन नबी की महफिल है, तो ये बच्चे तैयार हो चुके हैं, ये देख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह हिजाब में बच्चे तैयार हो चुके हैं और असद भी रेडी है और ज़ैद भी रेडी हैं। तो हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह हम जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है इनब? अच्छा लग रहा है जी। तो कलमा आते हैं किसी को? जी, कलमा सुनाओ। सुनाओ पहला कलमा सुनाओ। माफी कलबी हाँ जी असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक है। माशाल्लाह आज आप भी मस्जिद में जा रहे हैं। खसूसी लंगर के लिए जा रहे हैं। ये मस्जिद में लंगर का इंतजाम है, आप लंगर के लिए जा रहे हैं? कैमरा बंद कर। नहीं, कैमरा नहीं बंद होने वाला। पैनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ था कि लंगर का ना वसी इंतजाम होगा, तो असद साहब उसी चक्कर में जा रहे हैं। और ये देखें। हाँ जी बेटा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। सारे कलमा किसे आता है? मुझे। सुनाओ सुनाओ। अच्छे पैगंबर पाक ला इलाहा मुहम्मद रसूल। जी चाची, ठीक है। चलो 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 चलो, आगे आगे चलो चलो। हाँ जी असर साहब, सुना है लंगर के लिए जा रहे हैं? सही से बताएं, लंगर के लिए जा रहे हैं ना? नहीं नहीं, जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए हम जा रहे हैं। हम अपने बच्चे का हिस्सा लेंगे नात खाने में। नहीं, आप नात खानी करेंगे? तिलावत कुरान, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करेंगे जो आप हैरान रह जाएंगे। लंगर के टाइम तो हम उठ के घर आ जाएंगे। मुझे पता है आपने लंगर के लिए ही जाना है। अभी हम देख रहे हैं कि कितनी देगें पक रही हैं, कितनी देगें क्या सीन है, मतलब अभी हम जायज़ा लेने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही देगें कम्प्लीट होंगी फिर हम उसी हिसाब से टीम बना के निकलेंगे। जैद भाई जो बच्चा ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, उसे ऊपर से फेंक दें, आप फेंक दें इन। अब चलो भाग के चलो, आगे चलो। क्या है? कुछ नहीं है। भूख लगी हुई थी तो मैं कुछ समोसे खाने आया हूँ, ये देखें। कभी इस व्यू पे आपने समोसे खाए? अगर खाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ जी, असद ने मुझे पकड़ लिया समोसे खाते हुए, आ गया। हाँ जी, पकौड़े मंगा रहे हैं? हाँ, कितने के? 100-200। नहीं नहीं, किधर भाई, 50 के पकौड़े तो कर दें। हाँ जी, पकौड़े आ चुके हैं असद के लिए और असद साहब पकौड़े खा रहे हैं, ये देख लें। असद शर्म क्यों कर रहे हो यार? खाना है तो सही से। नहीं नहीं, खाओ खाओ यार, शर्म क्यों करो ऐसे? शर्म वाली क्या बात है, ऐसे उठाओ और ये खा जाओ।
क्यों ना जिक्र होवे मेरे नाल तेरा मेरे संग मन بسم الله الرحمن الرحيم ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਸ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਬਸ मैं घर पहुंच चुका हूं और महफिल का इत्माम अच्छा था, अच्छे अच्छे किताब थे और अच्छे अच्छे इस्लाही बयान थे। टाइम काफ़ी हो गया और इंशा की भी याद आ रही है, इंशा अपनी नानी के घर चली गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।